हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फिक्शन यूनिट थर्ड, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का ये इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। इसमें फिक्शन है, फिक्शन में आपके दो पार्ट दे रखे हैं। पहला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड। अबाउट द फिक्शनिस्ट पढ़ लिखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न 7 मई 1861 इन कोलकाता। ही वॉज द सन ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ग्रैंड सन ऑफ प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द यंगेस्ट ऑफ महर्षि 14 चिल्ड्रेन। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ब्रॉट अप लाइक अ सिंपल मिडिल क्लास बॉय। द एटमोसफेयर इन रविंद्रनाथ टैगोर फैमिली वॉज हाईली क्रिएटिव एंड हैड कल्चरल इम्पल्स। सो रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप इन अ कल्चरल एटमोसफियर। टैगोर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एंड नेचर। ऑल दो रविंद्रनाथ टैगोर्स एजुकेशन बिगिन क्वाइट अर्ली, बट ही डिड नॉट हैव रेगुलर स्कूलिंग। ही ऑलवेज स्पोक ऑफ इंग्लिश स्कूल इन कलकत्ता विथ ग्रेट कंटेम्प्ट एज रिगार्ड टू द टाइम विच ही स्पेंड इन द स्कूल इन कलकत्ता। टैगोर सेज इट वॉज लाइक पैनल सर्विट्यूड इन अंडामंस। रविंद्रनाथ टैगोर वी सेंट टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 17 इन 1878 एट लंदन यूनिवर्सिटी। टैगोर स्टडीड अंडर प्रोफेसर हेनरी मोरले। हियर ही डेवलप्ड फ्रेंडशिप विद लोकिन पैलेट विच लास्टेड लाइफ लॉन्ग। लोकिन पैलेट ऑलवेज इनकरेज रविंद्रनाथ टैगोर। देयर आफ्टर एफर्ट्स वर मेड बाय द फैमिली टू सेंट हिम टू स्टडी लॉ एट मद्रास, बट सून ही रिटर्नड होम फ्रॉम मद्रास। With the passage of time, he developed knowledge in Bengali, English and Sanskrit. He took training in music from some of best music teacher at home. Tagore received training in various subjects like mathematics, music and astronomy. Tagore was also influenced by Srimati Kadambari Devi, wife of his elder brother, Jyotirindranath Tagore. She was just like a mother to the poet. She encouraged and inspired the young poet, but she died. Unfortunate death in 1884. Essentially, Tagore was a river poet. His early poem deal with unrequited love. Tagore was highly impressed by Vidyapati, a great Vaishnava poet. The formative influences on Tagore young mind include the metaphysics of the Vedas, theism of the Bhagavad Gita and the Upanishad. He was also influenced by the devotional poetry of Kabir, Nanak, Kandidas, Vidyapati, Sri Ramakrishna and Chaitanya. Rabindranath Tagore, though he was city bred and English educated, owe much to his father Devendranath. From him too inherited a mysticism that was neither Advaita nor yet Bhakti, but a subtle combination of the two. हिंदी पढ़ लेते हैं, इनकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। उनके दादा राजा द्वारकानाथ टैगोर थे। महर्षि के 14 बच्चों में से सबसे छोटे थे टैगोर जी। उनका लालन पालन मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे के समान हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार का माहौल रचना धर्मिता से ओतप्रोत था, जिसमें सांस्कृतिक अनुगुंज विद्यमान थी। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक सांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और प्रकृति का टैगोर के मन मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर की पढ़ाई काफ़ी कम उम्र में ही प्रारंभ हो गई थी, तथापि उन्हें विद्यालय जाने में व्यवधान आता रहा। कलकत्ता में स्कूलों के संबंध में उनका दृष्टिकोण तिरस्कारपूर्ण ही रहा। कलकत्ता में जो समय उन्होंने स्कूलों में व्यतीत किया, उसके बारे में कहना था कि वह समय अंडमान में काले पानी की सजा भुगतने के समान ही था। वर्ष 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर को 17 वर्ष की आयु में इंग्लैंड भेज दिया गया। प्रोफेसर हेनरी मोरले के सानिध्य में रहकर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। यहाँ उनकी मित्रता लोकिन पायलट से हुई, जो जीवन भर चली। लोकिन पायलट ने सदैव रविंद्रनाथ टैगोर का हौसला बढ़ाया। परिवार द्वारा बाद में उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए मद्रास भेजा गया, लेकिन मद्रास से शीघ्र ही उनकी घर वापसी हो गई। धीरे धीरे उन्होंने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत में ज्ञानार्जन किया। अपने समय के कुछ सर्वश्रेष्ठ उस्तादों से उन्होंने संगीत सीखा। घर पर ही रहते हुए उन्होंने गणित, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे अनेक विषयों से दक्षता प्राप्त की। अपने बड़े भाई ज्योतिरेंद्रनाथ टैगोर की धर्मपत्री श्रीमती कादंबरी देवी से भी वे विशेष रूप से प्रभावित थे। कवि के लिए वे मात तुल्य ही थी। उभरते हुए कवि को अपने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी उन्होंने, लेकिन 1884 में वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। इसीलिए टैगोर एक विद्रोही कवि बने। उनकी प्रारंभिक कविताएं अतृप्त प्रेम से सारोबोर थी। वैष्णव कवि विद्यापति से टैगोर गहराई तक प्रभावित थे।
वेदों के गूढ़ रहस्य, भगवद्गीता के संदेश और उपनिषदों ने निर्माणशीलता में टैगोर के अपरिपक्व मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला। कबीर नानक चंडीदास विद्यापति रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु की समर्पित कविता से भी वे विशेष रूप से प्रभावित थे। यद्यपि रविन्द्रनाथ टैगोर का रहन सहन शहरीकरण से पूर्ण था और उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माहौल में हुई थी, तभी वे अपने पिता देवेंद्रनाथ से प्राप्त संस्कारों से भरे हुए थे। उनसे उनको एक अजीब से रहस्यवाद की प्राप्ति हुई जो न तो अद्वैत ही था और न ही भक्तिवाद, लेकिन इन दोनों विचारधाराओं का सुंदर समन्वय उनमें परिलक्षित होता था। चलिए डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर फिक्शन पे। ये है आपका समरी ऑफ दिस फिक्शन द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज एन इंटरेस्टिंग एलेगरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन द अर्ली 20th century एज अ मीन ऑफ इनकरेजिंग हिज वाइफ विमला टू इमर्ज इन टू द आउटर वर्ल्ड। निखिल इंट्रोड्यूस हर टू संदीप हु इज एन एक्टिव लीडर इन द स्वदेशी मूवमेंट। विमला सून बिकम इमर्ज इन द रिवोल्यूशनरी फॉरएवर ऑफ स्वदेशी एंड फाइंड हरसेल्फ टॉर्न बिटवीन द ड्यूटीज ऑफ होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड इज ट्रेजिंग एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। थो निखिल एंड विमला इंजॉय अ पीसफुल मैरिज, निखिल वॉन्ट्स हर टू एंटर द आउटर वर्ल्ड, बिलीविंग देयर लव इज ट्रू ओनली इफ दे रिकोगनाइज ईच अदर इन द आउटर वर्ल्ड। When Bimla attend a Swadeshi rally led by Sandeep Babu, she insists him to visit Nikhil estate. Bimla and Sandeep are attracted to each other, so Sandeep decided to make his headquarters at the estate. Bimla become intimately involved with the Swadeshi movement because of her desire to work with Sandeep. Obviously, Sandeep is interested in Bimla of her desire to work with Sandeep. Obviously, Sandeep is interested in Bimla. Now, Bimla began to question her marriage to Nikhil because Sandeep represent everything she wants in a man. At Sandeep's request, Bimla steals 6,000 rupees from Nikhil's safe for the keys. But Sandeep's subsequent behavior makes her feel torn as though she is two people, one who is appalled by Sandeep and one who is attracted to him. Uske baad hai kya dekhiye, tho Nikhil is distraught at losing Bimla. He grant her the freedom to choose her own life. Guilt-ridden about her theft, Bimla sent Amulya, a young disciple of Sandeep, to sell her jewel so she can replace the 6,000 rupees. But Amulya steals the money from Nikhil's treasury. Nikhil forgives Bimla's deceit, causing her to realize her husband is the one who truly loves her. When there is a Swadeshi riot in Bengal, Sandeep flees the city while Nikhil goes into town to try to calm matter. इसकी हिंदी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रणित घर बाहर एक रूपक या प्रतीक कथा है जो 20वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करती है। निखिल अपनी पत्नी बिमला को प्रेरित करता है कि वो बाहरी दुनिया को भी देखे समझे। इसके लिए वो बिमला को संदीप से परिचित कराता है। संदीप स्वदेशी आंदोलन का एक सक्रिय नेता है। शीघ्र ही बिमला स्वदेशी के जोर से भर जाती है, साथ ही घर के दायित्वों और बाहर की दुनिया के बीच वो स्वयं को उलझा हुआ पाती है। उपन्यास घर बाहर वास्तविकता और आदर्शवाद के बीच के द्वंद्व को दर्शाने वाला त्रासदिक उदाहरण है। यद्यपि निखिल और बिमला के बीच वैवाहिक संबंधों में मधुरता व्याप्त है, तथापि निखिल चाहता है कि बिमला बाहरी दुनिया में भी पर्दापण करे ताकि तब पता चल सके कि उनके बीच के संबंधों की डोर वास्तविक प्रेम से बंधी हुई है। बिमला एक स्वदेशी रैली में भाग लेती है जिसका नेतृत्व संदीप बाबू कर रहे हैं। वह चाहती है कि संदीप आकर निखिल को जागीर में भेंट करें। बिमला और संदीप एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए संदीप अपने मुख्यालय को उसी जागीर में ले जाने का निर्णय करता है। बिमला अब पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन से आबद्ध हो चुकी है क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं संदीप के साथ कार्य करती रहूं। संदीप की रुचि भी बिमला में बढ़ती जा रही है। अब वो निखिल के साथ अपने विवाह पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगती है क्योंकि जो कुछ वो एक पुरुष में चाहती थी वो सब उसे संदीप में दिखाई देता है। संदीप के आग्रह पर बिमला 6,000 रुपयों की चोरी निखिल की सेफ में से कर लेती है ताकि उद्देश्य को परिपूर्ति हो सके, लेकिन संदीप का आगे का व्यवहार उसे झकझोर देता है, मानो वह स्वयं दो व्यक्तित्व में विभाजित है, एक जिसके प्रति संदीप मोहित हो चुका है और दूसरा वह जो संदीप के प्रति आकर्षित हो रही है। यद्यपि बिमला के अलगाव के कारण निखिल विचलित व बेवकूल हो जाता है, तथापि वो बिमला को पूरी स्वतंत्रता दिए रहता है कि वो अपने जीवन का स्वयं निर्धारण करें। चोरी के अपराध बोध से बिमला ग्रसित हो जाती है और संदीप के एक उत्साही कार्यकर्ता अमूल्य को बताती है ताकि उसके द्वारा स्वयं के
गहनों को बिकवा सके और पुनः सेफ में 6,000 रुपये रख सके। लेकिन अमूल्य निखिल की तिजोरी से रुपयों की चोरी कर लेता है। निखिल अब बिमला द्वारा किए गए कृत्य को माफ़ कर देता है ताकि बिमला को एहसास हो सके कि उसका पति उसको सच्चे अर्थों में प्यार करता है। जब बंगाल में स्वदेशी उत्पात होता है तो संदीप पलायन कर भाग जाता है और निखिल नगर में पहुँच कर शांति स्थापनार्थ कार्य करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।